अपनी बाइक का जी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका ये बिल बना है जी 8,900, सिर्फ इतने से काम का बिल बना है। अभी जी मैं आया हूँ सऊद भाई के घर, यहाँ पे हमारा कुछ प्रोग्राम बना था इकट्ठा खाने का, लेकिन ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजेदार सा खाना गर्म होके आ चुका है। ये जी देखते हैं अभी, ओए होए 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 होए, देखने में तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है ये। माशाल्लाह जी देखें, जबरदस्त से फालसे के जूस हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जी ये होने वाला कि मैंने करवाना है अपनी बाइक का थोड़ा सा काम करवाना है। मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने सारा गाड़ी का काम करवाया था, लेकिन साथ साथ जो है जनाब वो बाइक भी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मतलब कि कहीं मैंने अकेले जाना और करीब या ये वो कुछ सामान लेना, तो मैं बाइक भी घुमाता हूँ और चला जाता हूँ। हमारे यहाँ सामने सब कुछ मिल जाता है मार्केट से, ना वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है, तो ज़्यादा मैं तो करीब के लिए बाइक ही यूज़ करता हूँ। हाँ, थोड़ी ऐसी जगह पर जाना हो जहाँ बाइक ना आ जाए या कुछ इस तरह हो, या फैमिली ने जाना हो, तो फिर मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। तो बाइक का जी काम करवाने वाला काफ़ी देर से, देखें कितनी गंदी हुई है, इसका ऑयल वगैरह चेंज करवाना है सारा ना। तो अभी जी चलते हैं और देखते हैं कि किससे काम करवाना है। तो अभी जी मुझे ज्वाइन कर लिया है नुमान भाई ने, जानते होंगे आप, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। सर क्या हाल चाल है आपका? आगे से अल्लाह का शुक्र है, आगे से मुंह से निकल गया। तो मैंने जाना था बाइक की ट्यूनिंग करवाने, तो मैंने कहा रस्ते में किसी को ले लेते हैं, तो मैंने नुमान भाई को ले लिया। मैं वेले ही होता हूं। ओ, नहीं वेले नहीं, ये के वे थे काम पे, बहुत जरूरी काम से इन्होंने मेरे थोड़ा टाइम निकाला है, वैसे इस टाइम का काम खत्म हो जाता है। तो ना अभी हम जा रहे हैं ट्यूनिंग करवाने और शाम हो चुकी है। हमने कहाँ जाना है सर? अभी हम जाएंगे रंगपुरा। हम एक जगह गए थे ट्यूनिंग वाले के पास ना, लेकिन वो कह रहे थे पास टाइम नहीं है, तो अब किसी और के पास जा रहे हैं, तो वहाँ जाके अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं ये पायलट स्कूल के सामने होंडा वाले जो होंडा शोरूम है यहाँ पे ना, बाइक से मतलब कि इनके अपने वर्कर्स हैं, सब कुछ इनका अपना है, तो यहाँ से हम ट्यूनिंग करवाने आए हैं। मतलब मैंने सोचा पता नहीं इनके पास टाइम है कि नहीं, नुमान भाई पूछ के आए हैं तो वो कह रहे हैं कि हो जाएगी। अभी जाते हैं अंदर और इनसे काम शाम करवाते हैं। ये अपनी बाइक खड़ी हुई है, रात हो गई है, पता नहीं कितना टाइम लगता है। अब बाइक जी हमारी वो सामने जा रही है, और ये होंडा वालों को ना एक बड़ा चैनल बनाया हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने सेपरेट अंदर बैठने के लिए बनाया हुआ है। मतलब कि ये देखिए आप, सारा ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे आप सिगरेट भी नहीं पी सकते। हाँ नुमान, यहाँ पानी भी आप पी सकते हैं, और एसी वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, आप शोर वगैरह से जो है वो महफूज रहेंगे, और यहाँ पर आप अंदर आराम से इजीली बैठ सकते। सोफे वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। अपनी बाइक का जी यहाँ पर काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी सीट खो रहे हैं, फिर आस्ता आस्ता सारे जाना इसमें जो मसले मसाले होंगे वो सारी इसको सही कर देंगे। चैन कवर जी ख़राब हुआ है इसका, ये देखें आप, ये देखें आप, तो ये चेंज होने वाला है। अभी जी उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो कह रहे हैं ये देखें टायर बिल्कुल ख़राब हो गया है, काफ़ी देर से मैं चेंज करवाना था, ये कोई कील भी अंदर गया है, और यहाँ से भी थोड़ा ख़राब हुआ है ये ना, ये चेंज होना है टायर। उसके बाद इसके अंदर कोई चीज़ है, ड्रम बुश उसे कहते हैं, वो चेंज होनी है। उसके बाद जनाब यहाँ पे आ जाए, ये फोम देख रहे हैं आप, ये फोम, सिर्फ ये फोम है भाई जान 1500 रुपये का, 1500 रुपये का फोम, ये चेंज होना है। उसके बाद जो कुछ ये चेंज होनी है, इसके अंदर कोई चीज़ है, वो चीज़ें चेंज होनी है। तो कह रहे हैं कि और कोई मसला निकलेगा तो आपको दोबारा बुला लेंगे। फिलहाल यहाँ पे ट्यूनिंग शुरू हो गई, देखें पेट्रोल से सारे जो इसके ना पार्ट्स सारे साफ़ कर रहे हैं, धो रहे हैं, वो देखें आप। तो ये जी नया टायर आ चुका है हमारा, ओए होए होए होए, नया टायर सर जी, किन्ने दे टायर है दसो और हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, ये चीज़ें हैं ब्रेक शू हैं, ये ब्रेक पिछली ब्रेक्स के जो है वो शू हैं, ये और ये वो डलते हैं इंजन के अंदर, एक चीज़ डलती है ये बुरश, ये जो है ना ये इसके अंदर डलने हैं, ये बुरश ये है सर जी। और चीज़ ये फिल्टर फोन, ये फ़ोन जो मैंने बताया ना आपको 1500 रुपये का है ना, वो ही है 1400 रुपये का, और ये ऑयल है, इंजन ऑयल है, ठीक है जी, डाल सब कुछ। बाइक जी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं सारा शोरूम खाली हो गया है, सब शटर्स भी नीचे हो गए, हम बस यहाँ पे रह गए हैं, और बस बिल वगैरह क्लियर करवा के और थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करवा के पेट्रोल वगैरह के, तो यहाँ से हम चले जाएँगे। ये जी आप देख सकते हैं बाइक का जो है लव लेटर आ चुका है, और इसका ये बिल बना है जी 8,900, सिर्फ इतने से काम का बिल बना है। अब इससे कुछ और काम भी रहते हैं, वो भी करवाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्यूनिंग बाइक की हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और ये टायर है, टायर ये टायर में ये जो मेरा पुराना टायर है ना,
ये मैं घर इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि नुमान भी आपको बताता हूँ मैं, ये टायर मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ जो हमारे घर में जनरेटर पड़ा हुआ ना वो मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो ये टायर काम है, काम आ जाएगा। वैसे वेस्ट था ये लेकिन ये काम आ जाएगा। और इसके अलावा ये कुछ चीज़ें बची हैं बाइक की जो पुरानी लगी हुई थी ना, ये भी किसी काम आ जाएंगे, इसे कुछ कर लेंगे। और ये एक बात है कि इन्होंने जो पार्ट्स जो पार्ट्स चेंज हुए हैं ना ये जितने भी हुए हैं ये इन्होंने वापस कर दिए हैं। कहीं हर कोई नहीं देता, कोई हो ना छः तो वो कर देते हैं, वैसे जो मैकेनिक्स होते हैं वो वापस नहीं करते। तो बाइक से ही करवा के मैंने एक दो सामान लेना था, हम वहाँ चले गए थे, नुमान भाई को मैं घर छोड़ने आ गया हूँ और हमने मज़ेदार से गोलगप्पे वगैरह खाया। मज़ा आया आपको? मज़ा आया जी, ठंडे ठार ठंडे पानी के साथ गोलगप्पे खाए। तो मैंने घर छोड़ा रात के तकरीबन, क्या टाइम हो रहा है, 11 हो रहे हैं। तो कुछ काम रहेगा इंशाल्लाह कल करेंगे, फिलहाल घर चलते हैं। नुमान भाई मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी तो आज है जी दूसरा दिन और नुमान भाई ने अगेन हमें ज्वाइन कर लिया। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, मैंने बताया था मैं वेले ही होता हूँ। हाँ माशाल्लाह। तो अभी हमने जाना है और अभी हम मैंने लेनी है अपने लिए स्लीपर, मेरी ये बड़ी ईद की मैंने ली हुई है और इसमें कंफर्टेबल नहीं होता तो मैंने स्लीपर लेनी है अपनी, वो देखते हैं कहाँ से लेते हैं। स्लीपर लेने के लिए हम आए हैं इंडियोर पे और अंदर जाके देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और कौन सी हमें पसंद आती है। चलो जी चलो जी, मैं चाह रहा था इस तरह की चप्पल ना, इस तरह की चप्पल हो और ये वाला कलर हो, लेकिन कलर तो ये वाला मिल गया लेकिन चप्पल ये वाली है भाई, पता नहीं कैसी लग रही है। नुमान भाई आप बताएं। यार सही है, मुझे शुक्र दिया क्या भजन, इसमें अगर इसमें मेरा साइज होगा दिखा दे, मैं एक पाव में पहन के चेक कर लूँगा। कलर असल में मुझे ना ग्रे पसंद है, अभी देखते हैं। ये दो हैं, मैं ब्लू वाली में ये वाला कलर चाह रहा था क्योंकि ये दो स्ट्रैप वाली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है ना। हाँ ये वाली ठीक है, आपके सूट के साथ मैच है। आप में लेनी है? नहीं लेडी जी, ये ब्लू वाली जो है स्लीपर हमने सेलेक्ट की है और ग्रे ये है, ये इन भाई ने लिया और ये ब्लू मैंने लिया। 2000 रुपये की जूती और 30 रुपये का ये बैग जनाब इंडियोर का। मैं अपना फोटो शूट करवाने आया हूँ, मेरी शादी है। नहीं मजाक करूँ, वैसे ही कुछ पिक्चर्स खिंचवाई थी मैंने, मुझे काम था तो स्टूडियो में मैं ये बैठा हूँ स्टूल पे और नुमान भाई ये बैठे हुए हैं, वो बंदा आने रहा तस्वीरें खींचने वाला, तो अभी वो आएगा तो पिक्चर खिंचवाते हैं उससे। मैंने अपने लिए फेस वॉश लेना था तो मैं यहाँ पे आया हूँ फैशन स्पॉट पर, यहाँ से मैं लेता हूँ फेस वॉश वगैरह ना, अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह जी फेस वॉश मैंने ले लिया यहाँ से, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम आ चुका नुमान भाई को मैं घर उतारने आ गया दोबारा, दूसरा दिन था। नुमान भाई बहुत शुक्रिया यार। सर कोई बात नहीं, आ, आ, आपने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला है। तो अभी असल में रात को लेट निकला था बाहर ना, तो सुबह थोड़ा बिजी था, नुमान भाई बिजी थे तो दिन में हम निकल नहीं सके और गर्मी भी थी। तो अब इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है जी? ओके सर, अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी। तो अभी जी मैं आया हूँ सऊद भाई के घर, यहाँ पे हमारा कुछ प्रोग्राम बना था इकट्ठा खाने का, लेकिन चपली कबाब लाइट चली गई है जिस वजह से ये जो है माइक्रोवेवन ये नहीं चलेगा, तो हम इसको जो है यार तू 20 मिनट सबर कर दे। हाँ ध्यान से, तो सऊद भाई सबर नहीं हो रहा और ये जो है इसके ऊपर ही इसको गर्म करेंगे सिलेंडर पे और उसके बाद दावा लगाएंगे। और हमारे पास क्या क्या यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे जैसे रोटियाँ नहीं है, फॉल्स हैं, उसका हमने जूस बनाना, लेकिन जब लाइट आएगी फिर ही बनेगा। हाय 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 हाय। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा खाना गर्म होके आ चुका है, बीफ कढ़ाई साथ चपली कबाब। सोफ भाई घर हलीम है, वो लेके ही नहीं आए, क्यों? वो रात के लिए रखा। मेरे घर से मोवालिया खुद नहीं लेके, साथ ही चटनियाँ साथ ये माउंटेन ड्यू ड्यू ने पिया तो फिर क्या दिया, साथ रोटियां। तो खाना शाना हमने खा लिया, अब बारी है फालसों की, ये फालसे हमने धो लिए हैं, बनाना हम दोनों में से किसी को नहीं आता, मतलब सारे डाल दे यार, ये चले गए इसके अंदर। हाँ वो सबको इग्नोर करें आप, वो बहुत भी देखने के लायक नहीं, घर में कोई भी नहीं है। और अब सोच भाई मुझे पानी दे दो, ठंडा पानी दे दो। तो ये थोड़े आधे फालसे निकालनी है, सोच कहना ज़्यादा मशीन ना ख़राब हो जाए। और ये इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक थोड़ा सा, और सब भाई चीनी दे दो जल्दी से, चीनी हम इसमें चीनी डाल लेंगे, चीनी एक तीन चम्मच हसबी जायका, थोड़ी करीब तो आओ, तीन चार, आपने इससे पहले देखा होगा जफा भाई, पांच
कभी एयरपोर्ट पर नहाते हुए, कभी एयरपोर्ट पर नहाते हुए, लेकिन और ये इसको हम बंद करके बंद गड़ 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 लगा मशीन हम से आने लग गए, पता नहीं कैसा होता है। बंद कर बंद कर। तो ये जी देखते हैं अभी, ओए होए 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 होए, देखने में तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। ये फुल जो है ये थिक हो चुका है, मतलब कि ये जूस बन चुका है, इसका टेस्ट देखते हैं आप। ये क्या चाय, चाय भी नहीं गया, और इसको ऐसे ही निकालेंगे उसके अंदर, और ये कोका कोला वाले ग्लास में आप इस जूस को डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये जो है ना मुझे लग रहा फाल से ज्यादा थे, और वो कम लग रहा, पानी कम लग रहा, चेक करते हैं अभी। हाँ थोड़ा सा ठीक हो गया ये, इसको हम थोड़ा सा वो करेंगे, चेक करो सऊद भाई, है ना, काफी ज्यादा ठीक हो गया, काफी ज्यादा ठीक है, ऐसा लग रहा है कि किटकैट शेक भी है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ी चीनी, चीनी और डालनी पड़ेगी, चीनी और पानी और डाला, जिस तरह इसको देखते हैं कैसा बना है। ओए होए होए, मुझे लग रहा ज्यादा पतला हो गया, अब फाल से वरना डालने पड़े। तो ये देखें आप, इसको चेक करते हैं हम। हाँ अब ठीक है, लेकिन मसला यह है कि ये गर्म है, इसको ठंडा करना है। अब इसमें बर्फ या कोई चीज रखो, वो आप चेक करें जरा। बहुत बेहतर हो गया, बेहतर बना ना, अलहमदुल्ला टेस्ट तो ठीक है, इसको ठंडा करना है। बर्फ है कि नहीं, बर्फ की दर है, बर्फ की दर है, बर्फ की दर है, बर्फ की दर है। ओए हो, ये किस कलर की बर्फ है? बर्फ ऐड करते हैं फिर आपको बताते हैं जी। बर्फ शर्फ डाल के इसको ठंडा कर लिया हमने। सऊद भाई जो है वो छन्नी के साथ इसको छान। यार यार इसको पंच में ही पीते हैं, कल तक नहीं नीचे गिनना। यार मुझे ऐसे ही डाल, इसमें डाल। हाँ मेरा ग्रास भर गया, उसको तो माशाल्लाह जी देखें, जबरदस्त से फाल से के जूस हमारे सामने। तो साहब चेक करो, बताओ कैसा बना है। क्या बात है, क्या बात है। अंदर तो जाने दे। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप जूस की दुकान बना लेनी चाहिए, गर्मी का मौसम भी है। मजे का नहीं, बाकी सही बात है, बहुत मजे का बना है। पहले थोड़ा थिक हो गया था, इसको पतला किया, फिर गर्म रह गया था, फिर इसके अंदर हमने क्या डाले, आइस डाली है, मतलब बर्फ डाली है। तो माशाल्लाह बहुत मजे का बना है। तो अभी जी हम आए हैं ये अल अक्सा मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे ऊपर सारा होलसेल पे इनका सामान मिलता है, एक्सेसरीज वगैरह ना। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे सारी मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। नुमान भाई, शहरी भाई साथ साथ हैं, अभी ऊपर चलते हैं। तो अभी जी मैं और सऊद भाई आए हैं मॉल ऑफ सियालकोट। सऊद भाई ने कोई चीज़ें लेनी थी, कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लेना है, उन्होंने बस ये कहना है कि मॉल जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर जाके देखते हैं भाई जान क्या लेते हैं, उसके बाद क्या खिलाते हैं। एक जगह हमने शूज़ देखने देखे थे कि सऊद भाई को पसंद नहीं आए, तो अभी कहीं और जाके हम देखते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर। मॉल ऑफ सियालकोट से हम बाहर आ चुके हैं, खाली हाथ है, आप देख सकते हैं पूरा मॉल फिर लिया है। सऊद भाई को कुछ पसंद ही नहीं आया, अब वो कह रहे हैं कि बाहर जो सामने शॉप्स है ना वहाँ से कुछ शूज़ वगैरह देख लेते हैं, और भूख मुझे बड़ी सख्त लग रही है, हर टाइम ही लग रही है। अभी जी शूज़ हमें कोई मिले नहीं है, और हम आए हैं KFC। सऊद भाई कुछ खिलाने लाया मुझे, फिर आके भूख लग गई थी। अभी हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, तो रश काफ़ी है। या हमारा 200 ऑर्डर अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्गर वाला खा के हम फारिग हो गए। सऊद भाई थैंक यू सो मच फॉर बर्गर्स। तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।